ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर रिवीजन फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ कार्डियक मसल एंड इफ टाइम परमिट्स स्मूथ मसल्स आल्सो वी विल रिवाइज. द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स टू रिमेंबर अबाउट कार्डियक मसल्स, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, वेयर इज इट प्रेजेंट? Heart. Word itself should remind you that it is present exclusively in the heart, right? And other characteristics of cardiac muscles, when we have to describe cardiac muscles, the first point is where it is present has to be mentioned. Next, the nature has to be mentioned, that it is involuntary. And then initial characteristics we had seen that similar to the skeletal muscle, these also have striations, because of which it is also called a striated muscle. And fourth point is the property of these muscles, that they have rhythmic contractility. ठीक है, रिदमिक वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज नॉट कि ऐसा ही कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक पर्टिकुलर रिदम है. फॉर एग्जाम्पल, वेन वी सी योर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स, कार्डियक मसल्स, इट इज नॉट दैट एज एंड वेन इट फील्स लाइक इट कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना. वेर एज इफ इट इज हैपनिंग लाइक दैट, देन वी से दैट देर इज सम एबनॉर्मैलिटी, इट इज सम डिजीज इफ इट इज हैपनिंग लाइक दैट. Otherwise, what we are expecting normal is there should be rhythmic contractility. Okay. And next important thing to remember, that the muscle fibers are supplied by the autonomic nervous system. ठीक है, तो key points, cardiac से आपको heart याद आ जाना चाहिए, कहाँ present है. फिर याद रखना, दिल को बोलना नहीं पड़ता है धड़कने के लिए, इनवॉलेंट्री वो धड़कता रहता है, तो इनवॉलेंट्री मसल है. फिर एक हमने देखा था, केवल कार्डियक मसल ही है जो स्केलेटल मसल के तरह उसमें स्ट्राइएशंस होते हैं. तीसरा, स्मूथ में तो है ही नहीं, इसीलिए हम उसे स्मूथ भी कह रहे हैं. एंड फोर्थ थिंग, यू शुड रिमेंबर योर हार्ट ओनली, दैट इट इज नॉट दैट समटाइम्स इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड समटाइम्स इट डजंट. देयर इज अ रिदम, रिदम है ना, एक पर्टिकुलर रिदम, यानी एक पर्टिकुलर पैटर्न में कॉन्ट्रैक्टिलिटी होता रहता है. एंड द लास्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज मसल फाइबर्स आर सप्लाइड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. दिस इज द हिस्टोलॉजी ऑफ द कार्डियक मसल्स. लेट अस सी, द फर्स्ट डायग्राम इज शोइंग अ स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ द कार्डियक मसल्स आर. यू कैन सी हियर ऑल्सो what are the things to remember here. What is labeled as one, what is it? Nucleus, central nucleus. It is the central nucleus. Good. And here when you see the fibers, the fiber comes forward and then it is dividing into two, so these are called branching fibers. And third important thing to remember, you will see this type of disc, that is intercalated disc, that is present in the cardiac muscle. तो histological diagram अगर draw करना है तो ये तीन characteristics जरूर दिखाना है. Nucleus center में है, ठीक है, और यहाँ पे fibers दो में divide हो रहे हैं, और यहाँ पे यहाँ intercalated disc are present. Okay, so this is about the histology of cardiac muscles which we had seen. Now we need to know there are some similarities and there are some differences. Let us see what is the similarity between cardiac and skeletal muscle. Elongated fibers within which there are numerous myofibrils. ठीक है, तो ये पहली बात है, दैट स्केलेटल मसल की तरह कार्डियक मसल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ इलोंगेटेड फाइबर्स. ओके,
एंड दीज फाइबर्स आर मेड अप ऑफ मायोफिब्रिल्स. बोलो, ईच फाइबर्स आर मेड अप ऑफ देन मायोफाइब्रिल्स. ठीक है, एंड मायोफाइब्रिल्स अदर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू सी इज देर आर ट्रांसवर्स स्ट्राइएशंस. और किसमें ट्रांसवर्स स्ट्राइएशन सिखाए? स्केलेटल मसल्स में. वेरी गुड, है ना, स्केलेटल मसल में और ट्रांसवर्स स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है. ठीक है, एंड वंस स्ट्राइएशंस आर देयर इट इज अंडरस्टूड देयर इज गोइंग टू बी ए बैंड, देयर इज गोइंग टू बी ए आई बैंड, देयर इज गोइंग टू बी ए जेड एंड एच बैंड. ठीक है, सो दिस इज वन थिंग टू रिमेंबर. देन कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क एंड कैपिलरी नेटवर्क is seen that is similar to the skeletal muscle, same structure as of skeletal muscle when seen under the electron microscope. ठीक है, तो structures में आपको वो similarity दिखेगा. Now let us see the next thing. Differences we had seen, still we will review before going into smooth muscle. Differences में क्या था? First thing to remember is कार्डियक मसल्स के जो फाइबर्स हैं वो एकदम पैरेलल नहीं चलते हैं. लाइक हाउ यू सॉ इन दैट हिस्टोलॉजी, इन बिटवीन व्हाट इज फॉर्म्ड? ब्रांचिंग. यस, दे ब्रांच आउट, समटाइम्स दे जॉइन विथ अदर्स एंड एक तरह से एक पूरा नेटवर्क जैसा बनता है कार्डियक मसल. ठीक है, now next thing to know, each fiber of cardiac muscle is not a multinucleated syngium as in skeletal muscle, but what is it? It's a chain of cardiac muscle cells, hai na, like how you saw in that diagram. I'll keep that diagram. You can see here, isko ek hai, isko ek hai, isko ek hai, is tarike se ye sab ke alag alag jo hai आप न्यूक्लियस देख सकते हैं. एवरी दिस थिंग हैज इट्स ओन न्यूक्लियस, दैट इज अनदर प्रॉपर्टी टू रिमेंबर. न्यूक्लियस ऑफ ईच मायोसाइट इज लोकेटेड वेयर? वेयर इज इट लोकेटेड इन कार्डियक मसल्स? सेंटर. यस, है ना, वेयर इज इन स्केलेटल मसल पेरिफेरली प्रेजेंट होते. ओके, so three things we have seen the differences. Fourth, let us see, sarcoplasm of the cardiac myocyte is abundant and contain numerous large mitochondria and the myofibrils are relatively few. At certain places we are seeing the myofibrils merge also with each other, right, and you cannot see the striations very obvious as very clear as we see in the skeletal muscle. Okay, when we compare yahan par pura ye suddenly network ban jata hai. Is diagram mein bhi dekho, bilkul utna obviously ek striations formations aapko nahi dikhai deta hai. Aur kya hai dekho, when we see through microscope the junction between adjoining cardiac myocytes are seen as dark staining transverse lines, and what are they called? Intercalated disc. Junction between the two these things, two nucleus that you would see, myocytes you would see, in between there will be like this a intercalated disc. Yani yahan ek nucleus hai, suppose yahan ek nucleus hai, aise jo myocytes hain unke beech mein aapko intercalated disc dikhai dega. Okay, and other property which we already know that they are involuntary in nature and is controlled by the autonomic nervous system. Okay, and then
Last, isolated cardiac myocytes, what they would do? Contract spontaneously in a rhythmic manner. Okay, they contract in a rhythmic manner. And this is one thing that you have to remember, that in a contraction is determined by बोलो पेसमेकर हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शंस का रिदम कौन कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कोई नोड आपने पढ़ा है जहां पे जनरेट होता है यस मैम ऐसे नोड साइनोएट्रियल नोड हाँ सो यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल्सो बिकॉज हालांकि हम मसल पढ़ रहे हैं वी नो इट इज द एसए नोड दैट इज एक्चुअली कीपिंग कंट्रोल ओवर द रिदम है ना एक बार वहां से स्प्रेड होता है तो हमने कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ा है तो कंडक्टिंग सिस्टम के थ्रू पूरे हार्ट में वो जो इम्पल्स है वो ट्रांसफर हो जाता है ठीक है एंड वॉट यू हैव मेंशनड ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट दैट द नर्वस system also has an influence on the rate and contraction of the heart okay so we have seen similarities and now we also discussed about the various differences that are there between cardiac and skeletal muscles now let us go further with discussion of smooth muscle let us see what are the main characteristics to remember सबसे पहले तो हमने याद रखा कि नॉन स्ट्राइएटेड है इसका मतलब क्या है स्केलेटल मसल इज स्ट्राइएटेड कार्डियक मसल इज स्ट्राइएटेड एंड इन स्मूथ मसल द फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ यू आर राइटिंग दैट इट इज नॉन स्ट्राइएटेड मैम ट्रांसवर्स लाइन नहीं मैम एक्टिंग मैम इसमें स्ट्राइएशन सो नहीं होते हैं हां ट्रांसवर्स लाइन स्ट्राइएशंस ऑल आर नॉट प्रेजेंट इन दीस टाइप ऑफ मसल्स तो फिर इनकी शेप कैसे है दे आर लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड ठीक है स्पिंडल के शेप के हैं एंड अदर थिंग्स टू नोट इज दैट द सेंट्रल पार्ट इज ब्रॉड and the ends are tapering theek hai so smooth muscles humne dekha pehla uska nature ki ye involuntary hote hain non striated hote hain shape is not like elongated cylindrical aisa nahi hai yahan pe spindle shaped hai hai na long spindle shaped cells Third point we have seen that the center part is broad whereas both the ends of the spindle is narrow that is why it is called spindle also na then nucleus lies in the central part of the cell and last is length of smooth muscle is highly variable तो कितना उसका लेंथ रहेगा दैट वेरीज फ्रॉम केस टू केस ओके सो दीज प्रॉपर्टीज वी हैव सीन लेट्स सी फर्दर द हिस्टोलॉजी हियर यू कैन सी स्मूथ मसल्स की हिस्टोलॉजी कैसे दिखता है स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है यहाँ पे आपके जो है फोटो माइक्रोग्राफ्स हैं स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन यू कैन सी नाउ स्पिंडल शेप्ड फाइबर्स And where is the nucleus located? Where is the nucleus located? Is it on a periphery? कहीं पे बाहर की तरफ ऐसे लगा हुआ है Just now we studied, the students. Where is the nucleus located? I'm in center. From central.
So that property remains that it is located in the center. Okay, so here you can see shape of the smooth muscle fibers. You can also see the oval shape of the nucleus, where the nucleus is present. All that will help you to understand the histology of smooth muscles. So here there is a table which summarizes the whole concept about skeletal muscle, cardiac muscle and smooth muscle. Okay, so let's start with the first one. First is about location. लोकेशन में हम देखते हैं, हमने ऑलरेडी समझा स्केलेटन इज नियर बोन्स, कार्डियक इज नियर हार्ट एंड स्मूथ इज फॉर ऑल ओ विसरा एंड ब्लड वेसल्स. ठीक है, तो लोकेशन के हिसाब से जब देखेंगे दोनों पैर, दोनों हाथ, ट्रंक, ऑल दीज आर द एरियाज दैट आर रिस्पॉन्सिबल. कार्डियक इज वेरी इजी, इट इज मायोकार्डियम, राइट. And smooth muscle, what has to remember? Hollow viscera and blood vessels. These are the areas where it is present. Next point is about shape and arrangement of fibers. ठीक है, fibers किस तरीके से shape है और क्या arrangement है उनका. पहला है elongated and parallel fibers. ठीक है, ये है what is expected normally, that there are elongated and parallel fibers. Whereas in cardiac muscle, what is the thing? Parallel fibers were, and along with that, what we saw? Branching. And certain places may, it may go and join also with each other. It's called anastomosis. This is about cardiac muscle. Smooth muscle में it is elongated, you can say spindle shaped or fusiform. What about transverse striations? It is very clear. See, transverse striations, skeletal muscle, यहाँ पर cardiac muscle, दोनों में present है. इसमें नहीं है स्मूथ मसल. हाँ, स्मूथ मसल में नहीं है. लेट्स डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस. व्हेन वी टॉक अबाउट स्केलेटल मसल, देयर कैन बी मल्टी न्यूक्लियस एंड इट इज लोकेटेड सिचुएटेड कहाँ पे? पेरिफेरल, है ना. वेयर एज व्हेन वी सी कार्डियक, देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियस एंड द location is, it is centrally located. Okay, then next is about smooth muscles. We have already seen the diagram. The concept should be clear that there is a single nucleus and it is centrally located. Next is about sarcoplasmic reticulum. Complex hai, very well developed hai. कार्डियक मसल का जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है लेस वेल डेवलप्ड है, और स्मूथ मसल्स का जो है वो पुअरली डेवलप्ड है. व्हाट अबाउट नर्व सप्लाई? अर्लियर आल्सो वी हैड सीन अ टेबल फॉर विच वन विल बी देयर. स्केलेटल के लिए सोमैटिक है, कार्डियक के लिए ऑटोनॉमिक है, और स्मूथ के लिए अगेन ऑटोनॉमिक है. ठीक है, लेट्स सी. कॉन्ट्रैक्शन इज पावरफुल एंड voluntary, whereas you see about cardiac muscles, there is a particular thing that we see about the contractions. Contractions are powerful, constant and involuntary. What about smooth muscles? Smooth muscles may be slow, involuntary and rhythmic. Involuntary का मतलब क्या है? I'm again using this word. What does it mean, voluntary and involuntary? Can you give me an example and explain? Mam, those muscles which we can't take control, just like peristalsis,
these are not in our control. Yeah, good. So where we don't have a control over it, and automatically it keeps on happening, as we discussed earlier, we don't have to tell our muscles of respiration ki 10:15 se 11:30 tak class hai to breathe karte rehna, aankhon ke bolon ki phadphadate rehna. ठीक है, I don't have to tell, they keep on doing it without any commandment. So it is very clear that when you have to do any activities which require voluntary, that is skeletal muscles are involved. जहाँ पे involuntary की बात होती है तो आपके cardiac muscles हैं और smooth muscles. Now something again. We had studied variations in arrangement of smooth muscles. Okay. So besides, we have seen the difference. Now there are certain things to know about the way the muscles are arranged. Let's start with this one. Arrangement depends on functional requirement. Okay. स्मूथ मसल किस तरह से अरेंज्ड रहेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट. नाउ एज यू सी हियर, सम ऑर्गन्स इट इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टू लेयर्स, एन इनर सर्कुलर एंड आउटर longitudinal layer. Okay, so these two things have to be remembered. Some organs, example here it is given, smooth muscles of the gut, the fasciculi lie parallel to each other. Okay, so this has to be remembered. Two layers are there, the inside layer is formed circular, whereas the outside one is longitudinal. Let's see this diagram. ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं दो लेयर है, ये है आपका जो longitudinal है ना, ऑलरेडी बन चुका है यहाँ. And what you see little towards the center is the formation of fasciculi. Next is some of the organs, it is reversed in the form of two layers. Inner layer will be longitudinal and outer layer will be circular. Previous हमने देखा अंदर circular, बाहर longitudinal. तो यहाँ पर वन एग्जाम्पल विच यू कैन रिमेम्बर इज द स्मूथ मसल्स ऑफ द यूरेटर. ठीक है, दिस कैन बी रिमेम्बर्ड, स्मूथ मसल्स ऑफ द यूरेटर. नाउ अनदर सिचुएशन लेट अस सी, एन आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर विथ अ सर्कुलर लेयर इन बिटवीन, एंड वी हैव द एग्जाम्पल यूरिनरी ब्लैडर एंड vas deferens. ठीक है, urinary bladder and vas deferens. So it's in the form of a circle, but what has to be remembered, circular layer is in between. Okay, that is the characteristic features that has to be remembered about this one. Variations in arrangements we have seen, muscle, smooth muscle का हमने देखा. हमने ये भी देखा कि smooth muscles example जो ureter है, फिर हमने urinary bladder में किस तरीके से वो divided रहेगा, that we have seen. Okay, now some regions smooth muscle is arranged in layer, but layer is not distinctly demarcated from each other. So we have this example of urinary bladder. You cannot very clearly say कि हाँ ये layers हैं करके. ठीक है, in the skin smooth muscle occurs as narrow
bands. In some tubes, a thick layer of circular mass may surround the segment of the tube forming the sphincter. And how is it helpful? The circular mass, how is it helping? It is helping in contraction of the sphincter that occludes the tube. So three major areas we have seen how it is going to help. Okay. Okay. We'll stop till here. Distribution hai, aage kabhi hai. Oh, the slide is only over. Last also we will see this about distribution. कहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है स्मूथ मसल? विसरा, हॉलो विसरा हो जैसा कि स्टमक, इंटेस्टाइन, वहाँ पे प्रेजेंट होता है स्मूथ मसल. कोई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है तो वहाँ पर भी आप देखोगे स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है. ठीक है, आयरिस, आयरिस के वहाँ भी आप देखो मसल्स ऑफ आयरिस, खास करके स्फिंक्टर एंड डायलेटर pupillae. This is examples. Then other regions, example skin, prostate gland and all. In these regions, smooth muscles are seen. Okay. We'll quickly see, students, what we have revised today. First, we have understood about what are cardiac muscles. हमने उनकी property समझी है. पहले उनके बारे में अगर describe करना है तो ये याद रखना कि कहाँ पे है, heart में है. प्रेजेंट होता है, इनवॉलेंट्री होता है, इसमें स्ट्राइएशंस होते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है. फिर हमने ये स्ट्रक्चर्स देखे जिसमें खास करके न्यूक्लियस का सेंटर में प्रेजेंट होना, ब्रांचिंग होना और इंटरकैलेटेड डिस्क फॉर्म होना, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद रखना है. फिर हमने सिमिलैरिटीज देखी एंड वी ऑल्सो सॉ डिफरेंसेस. Then we saw the characteristics of smooth muscles, right? Smooth muscles में क्या क्या characteristics हैं, जैसे कि वो involuntary हैं, non-striated, spindle shaped, nucleus in the center, central part is broad and ends are tapered, है ना, ये सारे characteristics. याद रखा, हिस्टोलॉजी देखा, फिर सबका एक साथ में कॉमन हमने सिम्टम्स देखा, राइट? व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स वी सॉ, सिम्टम्स इज नॉट द राइट वर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स वी सॉ कंपेयरिंग टू ईच अदर. फिर हमने लेयर्स के अरेंजमेंट, स्मूथ मसल ही है पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से अरेंज्ड है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया. ठीक है, this is the last part of it that we have seen, where which one is present.